भाई सीढ़ी पे से ऐसे भी उतरा जा सकता। क्या ये चाहिए तुझे? ये मेरा। आजा अरे तुझे किडनैप करूं। और ले 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 परफेक्ट फूड, परफेक्ट देसी फूड। जिसको नहीं पता, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, दिस इज वो मूवी देखी चुपके चुप चुप के, उसमें कहता है आरी मिलेगा आरी, ये वो ये हमारे में इसको बोलते हैं अंगाकड़े, किसी के में इसको बोलते हैं टिकड़, किसी में आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मेरे को दो चीज़ें पता है, दिस इज रूड़ी घी, दिस इज दलिया, हमारी लैंग्वेज में दलिया, दिस इज प्याज फोड़ी हुई, समझ गई, प्याज फोड़ी हुई। राम राम भाई सभी लोगों को, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तुम सोच रहे हो एल्विस भाई ने कल के जो ब्लॉग था उसमें क्या सरप्राइज है जो छुपा रखा है, गैस करने को वही तो बोला मैंने, गैस करो भाई। कई लोग कह रहे रोल्स रॉयस, कई कह रहे जी वैगन, कई कह रहे हैं भाई इसमें तो जमीन ले ली तुमने, नॉट गुड यार। जी वैगन और रोल्स रॉयस कैसे हो सकती है, ऑब्वियसली इसमें जमीन होगी। नहाने जा रहा हूँ, आज तक कर रहे हैं अपना गेमिंग चैनल एक्टिव, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रोज लाइव आई करेंगे, जब जब टाइम मिलेगा तब तब लाइव आई करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लाइव आके जो मस्ती करते हैं ना, ऑन द स्पॉट वाली मस्ती मुझे पसंद है, आई डोंट लाइक स्क्रिप्टेड शिट, आई लाइक रियलिटी, रियलिटी शोज एंड ऑन द स्पॉट, चाहे कुछ भी हो, रोस्टिंग हो चाहे मजाक मस्ती, जो भी ऑन द स्पॉट में अलग मजा आता है, चाहे इंटरव्यू भी। कई लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू का ना जो स्कीम होती है, जो लोग इंटरव्यू देते हैं क्या होता है, पहले क्वेश्चन बताते हैं कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे और आपको ऐसे ऐसे अपने जवाब सोच लेना, बट तुम्हारा भाई अलग है, मैं कहा भैया जो तुम्हारे मन में पूछ लेना ऑन द स्पॉट, क्योंकि फील उसमें निकल गया कि अब जो कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में पहले से कि अच्छा इसका आंसर ये देना, उसमें वो वाली बात नहीं आएगी, समझ रहे हो। तभी मैं नहा लूँ फिर जा रहा हूँ मैं गेमिंग पे, अपना गेमिंग पार्लर है ना उधर जा। चौक गए, ये तो कुछ नहीं है, अभी नहीं चौके तुम, देखो भाई आउटफिट चेक करो भाई, वो वाला है पोलो टी शर्ट वाला। अरे चाबी दे दो मम्मा फॉर्चुनर की यार। गाइस स्वागत करो मम्मी जी का हमारे ब्लॉग में, मम्मी जी हमारी काफी यू नो एटीट्यूड आ गया है, कह रही मेरा अलग चैनल खुलवा, मैं अब तेरे चैनल पे जी नहीं सकती, सरवाइव नहीं कर सकती। मैंने क्या मम्मा सेम थिंग है ना, मिल गई घर में छोटे बच्चे होने का नुकसान ये है कि चाबी कहीं रखो कहीं मिलती है और रोता भी है। और भाई एक सभी लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज घर पे मत आया करो यार, छोटा बच्चा हमारे घर पे सोता है, उड़ जाता है, फिर तंग करता है जब गेट बजता है ना। सो अभी आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द गेमिंग पार्लर, एक बार कमेंट करके बताना जरूर, कहता हूँ प्लीज यार दिखाऊंगा अभी पूरा लुक ना, अभी गेमिंग वहां जा रहे हैं। या व्हाट आस्क मी इन अनदर लैंग्वेज, कितने जोड़ी बूट है ये बता बस। I got it, but I understand this language. So please translate in English and then. अरे बता ना, ढंग से। मैं तो पांच जोड़ी बूट है। एक भी जोड़ी ना है घर में। तो ला कहीं से भी उनको, जा, चल लेके आ। चलो भाई हम निकलते हैं। भाई देखो आज मैं बढ़िया लग रहा हूँ, मुझे खुद को भी लग रहा है कि आई शुड ड्रेस अप लाइक दिस मोर ऑफन। और तुमने एक चीज और नोटिस करी होगी अपने भाई की कि अपना तो तुम्हारे भाई की इंग्लिश भी ठीक होती जा रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ी हो गई है, बट हो गई है सही बोलने लायक, कि चार आदमी में खड़े होकर कोई मेरे से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा तो मैं जवाब दे सकता हूँ। वो अब धीरे धीरे ना आती, ग्रामर ग्रूमर पहले भी थी अपने को, कॉन्फिडेंस की बात होती है, कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बिल्ड होता ना, सो आई कैन स्पीक अकॉर्डिंगली। तुम भी क्या याद करोगे यार, देखो एक बढ़िया चीज बताता हूँ तुमको मैं, आजकल मैं तुम्हें खुश लग रहा हूँ, सबको रहना चाहिए, अगर ये टेम्पू थोड़ा जल्दी चलेगा मैं तो थोड़ा और खुश हो जाऊंगा। मौसम है आज का बहुत सुहाना, खान भाई मौसम है आज का बहुत तगड़ा, ठीक है ना, ये समझ लो ऐसा मौसम है, दिखाता हूँ ऐसा मौसम है, मतलब मेरा शीशा इज वेरी गंदा, बट मौसम है बारिश वाला कि कभी भी किसी क्षण बारिश आ सकती है, समझे। अभी पहले इसे जरा एक बारी मुड़ जाएगी, मुड़ गई भैया, ठीक है एड ब्लू भी डलवाना है इसमें अभी, और बारिश के मजे भी तो लेने हैं। तो भाई मैं ना एक चीज देख रहा था कि कल मैंने याद है तुम्हें बताइयो पूजा पाठ के बारे में, कि पूजा पाठ करनी चाहिए उस जहाँ पे साइंस काम नहीं करती वहां पे हमारा सनातन धर्म काम करता है, मतलब ये मैंने कल आपको चीज समझाई थी, मे भी बहुत सारे लोगों को समझ में आई हो कि मैं क्या कह रहा था क्या नहीं कह रहा था। तो ना
एक एक चीज की मेरे पे बहुत ज्यादा वो आए, क्वेश्चंस आए कि एल्विस भाई यार पूजा तो करवा लें पर कहाँ करवा मैं पूजा। अब सपोज किसी को पूजा करानी हो, किसी को महामृत्युंजय जाप कराना हो, वहाँ पे उज्जैन कराना हो, या फिर बड़े बड़े मंदिर हैं, काशी मंदिर है वहाँ पे कोई पूजा करानी हो, या फिर अयोध्या में राम मंदिर में कोई पूजा करानी हो, तो लोगों के ये होता है यार किससे कहें, मतलब खुद जाके भी नहीं करवा पा रहे। जैसे सामूहिक पूजा होती है ऐसे मंदिरों में ना, तो वहाँ पे लोगों को ज्ञान नहीं होता कि किससे कॉन्टैक्ट करें, कि किधर जाएं भाई, किस पंडित जी को बताएं कि हमारी ये पूजा कर दो, हमारा ये कष्ट दूर कर दो। तो उसके लिए तो तगड़ी चीज ले आया, मैं ही ले आया, ये समझ लो मैं ही खुद अपने हाथों से लेके आया। भाई हमने क्या करा, हमने खोल ली एक वेबसाइट जिसके अंदर यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट और यू कैन डायरेक्टली बुक अ पूजा, मतलब वहाँ पे बहुत सारी पूजा हैं, आपको बस एक क्लिक करके आप अपनी पूजा बुक कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, मतलब अब ये कहोगे भाई हमें कैसे पता लगेगा हमारी पूजा हो गई, प्रॉपर वीडियोस पंडित जी की मंत्र बोलते हुए और वहाँ मंदिर की प्रॉपर वीडियोस आपके पास पहुँचेंगी, प्रसाद आपके पास पहुँचेगा, सारी चीज़ आपके पास पहुँचेगी। देखो सोल्यूशन निकाला मैंने, अब मैं करता हूँ बिजनेस की बात। बहुत लोग मेरे को कहते हैं कि एल्विस भाई कुछ ऐसा बताओ जिससे दो पैसे हम भी कमाएं। तो मैं देखो मैं किसी को आइडिया नहीं बताने वाला, या मैं किसी को नहीं बताने वाला कि ऐसे जाओ वैसे झट से पैसा कमाना, मैं बस तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि कोई ऐसी चीज ढूंढो जिससे तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। जितने ज्यादा आदमियों की तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे, मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट होगा जो भी तुम्हारा आइडिया होगा, वो जितने ज्यादा लोगों को कवर करेगा, जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ऑब्वियसली बात है तुम्हारा प्रॉफिट उतना होगा। अब सपोज रिलायंस है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के पेट्रोल पंप है, वो तेल की समस्या ठीक कर रहा बहुत लोगों की, जितने लोगों की तेल की समस्या वो ठीक कर रहा उतना वो पैसा कमा रहा, समझ रहे हो ना मेरी बात, कितना सिंपल है। गाड़ी बना रही कोई कंपनी, गाड़ी टारगेट कर रही है मास ऑफ ऑडियंस को, वो गाड़ियों की दिक्कत ठीक कर रही है गाड़ी की कंपनी, तो वो उससे पैसा कमा रही है। अब मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी कि लोगों को पता नहीं भाई पूजा कहाँ पे करानी है, और इससे बल्कि ये भी अब थोड़ा सनातन के टच होंगे जब उनको रिजल्ट्स मिलेंगे कि भाई पूजा पाठ में भी भक्ति में शक्ति है, जब उनको पता लगेगी तो हमारे धर्म के और क्लोज आएंगे लोग, उनको पता लगेगा कि हमारा सनातन धर्म कितना मजबूत है, कितना पुराना है और कितना मोर देन साइंस है। तो इसके लिए हमने खोली एस्ट्रोजी, समझ रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन में भाई आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके, वेबसाइट या ऐप नहीं बनाई अभी, एस्ट्रोजी नाम से, उस पर जाके आप ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आपको जो पूजा करानी हो हर टाइप की चीजें हैं उस पर, डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक है उस पर जाओ तो सही, जाके एक बारी चेक करना कि तुम्हें क्या समझ आता क्या नहीं, और फिर मुझे बताना। अभी मैं जा रहा हूँ गेमिंग सेंटर पहुंच गया, गेम खेलेंगे, लाइव आएंगे, डिस्क्रिप्शन में गेमिंग चैनल का लिंक है उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। यो गाइस वी आर रेडी टू गो लाइव। देखो ऐसा होता है सेटअप, यो भाई हमारा निक भाई ये सेटअप कर रहा है, टेंपरेरी है गाइस, अभी अच्छा वाला आएगा वापस से, जैसे पहला था ना वो ये मेरे वो हो रहे हैं कस्टमाइजेशन। 5:10 पे करेंगे, अभी कितने बज रहे हैं, 7 हुए ना, 5:07 बात कर देते, 3 मिनट अब बात करेंगे। ये भाई वो वाला पंखा, वाओ सारी ऐसे सेटअप होता है, देखो पता नहीं मेरे को इतना सब कुछ के बारे में करा रहे एल्विस भाई हमसे भाई रहने दो भैया, निक भैया रहने दो, ये क्या है वायरलेस चार्जर नहीं, फोन स्टैंड, अरे फोन स्टैंड है, ओके मैन, वाओ वाओ यार अर्चित तू तो बिल्कुल अच्छे लोगों की तरह खाता है अर्चित, वाओ पिछला ओवर वैसे बहुत ही किफायती गया था छक्का लगने के बावजूद, इस ओवर में ऑलरेडी भाई धोनी भाई एक बॉल खेलने आए हैं, उसके लिए आवाज कितनी है यार, हैं 1 करोड़ व्यूअर बढ़ गया भाई एकदम से, धोनी को देखने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, हम भी वैसे वेट कर रहे थे सही बताएं तो सॉरी टॉर्च जल गई, देखो भाई साहब भाई क्लास तो है, अगर छक्का मार दिया ना तो मजा आ जाएगा और वाह वाह हो जाएगी, मगर क्लास तो है ना, इसे क्या है फैन फॉलोइंग यार, देखिए पूरा स्टेडियम भरा और सारे इसके फैन है, ये नहीं सुना मैंने पर बढ़िया लगा सुनकर, लास्ट बॉल के लिए भाई साहब हमारे, देखते हैं लास्ट बॉल पे क्या मारेंगे, एमएस धोनी छक्का भाई, ये क्या हुआ चौका, ले भाई चौका, ले भाई बोले जो कोयल बागों में चौका गाइस चौका, वाओ गाइस हम आइसक्रीम खरीद रहे हैं, हम नहीं मैं मैं आइसक्रीम खरीद रहा हूँ भैया, क्या क्या लिया हमने एक बार दिखा दो सब पब्लिक को,
हमारा वो दिखा दो फॉर सर। हम एक मैंने क्रीम कुल्फी की ब्रिक दिए सर, उसके बाद मैंने सर एक केसर पिस्ता की ब्रिक दिया, एक मसाला सिकंजी दिए। मसाला सिकंजी कह दे, मसाला सिकंजी कितने हो गए भैया इनके? रख दियो भाई, टोटल हो गया सर 380 रुपया हो गया। अब स्टूडेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट सर इसमें क्योंकि 100 रुपए का 15% है सर, तो डिस्काउंट करेंगे सर मेरा तो फिर घाटा हो जाएंगे सर। ये पक्का फूड ब्लॉगर था पहले, जेब से लगा कर तो दे नहीं सकते हैं सर। बात तो आपकी सही है मोहिन आलम भाई, सर मैं आपको भी डिस्काउंट लग गया भाई मैं तो। हाँ जी भाई, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी पापा है सर, और भाई भी है। भाई क्या करता है? भाई खेती करता है गाँव में। क्या बात है, और बहन नहीं है? एक भी बहन नहीं है की? तीन भाई है हम लोग। बहुत बढ़िया यार, रुके नहीं फिर? मेरे से बड़ा एक है, एक हमें मेरे से। जैसे सबसे बड़ा वाला भाई का क्या नाम है? सबसे बड़ा का नाम है नियाज। नियाज, नियाज के बाद नहीं रुके फिर? नियाज के बाद होते चले गए फिर? नियाज के बाद मैं ही रह गए ना सर। चलो होते रहो, मैं तो चाहता हूँ होते ही रहो। तुम लोग भाई को पैसे दे देना भाई। भाई आज मैं लेके आया हूँ ये, मेरे पे ना दोनों हैं देखो, ये है मेटा क्वेस्ट 2 है शायद, है ना, मैं आज ये लेके आया हूँ, इसके साथ ये भी आए हैं साथ में, और मेरे पे है ये। मच्छरदानी के अंदर जाता हूँ तो मेरे पे है ये। ये तो प्रीमियम सौदा है, प्रीमियम सौदा समझ रहे हो, ये ऐसे वाला प्रीमियम सौदा है। ये देखो दोनों को साथ में रखूँ तो कितना डिफरेंस आता है समझ में ना। पर मैं इसको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसमें इसमें ना अभी गेम्स नहीं है उतने सारे जितने इसमें गेम्स हैं, और इसके ये कंट्रोलर भी है देखो, हाथ से चलता है जो इसमें सारा सामान। तो अब ये ट्राई मार के दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कौन सा इसमें से बेटर है। ये है भाई 4 लाख रुपए का सामान, ये है उस टाइम पे जब आया था 40-50 हज़ार रुपये का सामान, तो इसमें बहुत डिफरेंस है, 5 गुना का डिफरेंस है मेरे हिसाब से, 5-6 गुना का जितने का भी है। 5-6 गुना भी क्यों, 100 गुना 8-1 गुना जितने भी गुना है यार, ये आज पता लग जाएगा किस में कितने वो है। इसका केस वेस बढ़े, प्रीमियम सौदा है, पर इसमें क्वालिटी देखेंगे कि यार गेम को मजा तो आए। और भाई एक चीज़ बताता हूँ, देखो हमारे घरों में क्या होता है, जैसे तुम्हारे भी होता होगा, सुबह की सब्जी शाम को खा ली, सुबह क्या बन रखा था भाई वही है, शाम को वही खा लिया, कल रात की सब्जी सुबह खा ली। कई लोग ऐसे प्रेफर नहीं करते, सुबह याद है तुम्हें आंकड़े पड़े थे? हाँ ये देखो आंकड़े है ना, ये आंकड़े हैं भाई जो मैं सुबह खा रहा था, अभी भी वही चीज़ खाऊंगा क्योंकि मुझे मजा आता है ये खाने में। प्याज की गैल बढ़िया, दलिया लूनी घी लोटे खाओ और बढ़िया नींद आती है। सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें, नींद बड़ी तगड़ी आती है। और अपना एक एस्ट्रोनॉट खड़ा है लाइट फेंकने वाला, अभी अंधेरा अंधेरा करके दिखाता हूँ, मजा आने लग गया इसमें। देखो गैलेक्सी के नीचे हूँ मैं गाइस, ये देखो गैलेक्सी के नीचे, वाओ भाई चीज़ तो धाकड़ है, चीज धाकड़ है नो डाउट। और मैं आज ऐसा लगा था बढ़िया, एक बार मैं चेंज करके आता हूँ, चेंज मिल हुई है देखो। किसी को मत छोड़, किसी को भी मत छोड़, सबको मार इनको, हाँ मार इनको। कौन सी बॉल आ रही है अभी सामने? अरे तेरे लग भी सके वे, बहुत तेज लगेगी मुंह पे, दर्द होएगा फिर देख लियो भाई। वाह यार, अरे क्या रोक दी थी, ब्लू आ रही थी तो मारती रहे, उनका घड़ाघड़ मारनी है, एक बॉल से नहीं लग सकती ऐसे। हाँ ये मार छोड़ मत, किसी को मत छोड़ भाई। वाह गाइस फ्यूचर, ये देखो फ्यूचर में है मेरी बहन गाइस, फोर्थ डायमेंशन में भाई, देख क्या मजे आ रहे, जिंदगी जी रही है यार कोमल। अच्छा चल एक बात होता, जेन्युइन मजा आ रहा है, रियल नहीं लग रहा? हाँ। कैसा लग रहा? मस्त, मजे आ रहे हैं। तो तू मेरे पीछे से चला लेगा इसको, सही चीज ना लेके आया, रेसिंग वाला खेलना इसमें, अरे तो इससे ठीक होएगा भाई, तेरी पूछ मेरे हाथ में, सावास अभी तो ये तो अभी लगेंगे भी, तो दीवार में दे के मारेंगे पीछे भी। तूने लाइव देखी थी मेरी? नहीं। तुम मेरे फैंस नहीं हो। तुम मेरे फैन बनो पहले, फैमिली तो क्या ही बनोगे, तुम फैन बनो। शाबाश शाबाश, अरे शाबाश, हमें मारेगी क्या है, हमें मारेगी क्या है? पिंक कहाँ है, येलो कहाँ गया? उड़ा उड़ा बच्ची
बच्चों बच्चों तेरे लग जाएगी। बस यार कोमल बोरिया रह तू तो यार, तू तो बोर। भाई साहब कला देख रहे हो अपने भाई की, चौमिन बनानी आती है मेरे को, देख लो चौमिन वाला बन, चौमिन वाले नहीं बनाते ऐसी कढ़ाई में, मुझे भी आती है सब करने, ये मैंने बनाई है, कैसी लगी ये बताओ तुम, इसकी शक्ल देखो जल्दी बताओ भाई कमेंट करके। भाई वो चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, एक चीज़ और कर देना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अमेजोन मिनी टीवी का, उस पर जाकर चिराग को वोट कर देना भाई, कल ग्रैंड फिनाले है, मेरे को ट्रॉफी जीतनी है, प्लेग्राउंड के जीत जाऊंगा मैं, चिराग जीत का तो मेरी टीम में है, प्लीज़ भाई है, एक दिन में एक ही वोट हो सकता है, आज कर देना और रात को 12 बजे के बाद भी कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वोट करने का, लड़के को एक आदमी एक ही वोट कर सकता, ठीक है कर देना भाई, प्लीज लाइक कमेंट शेयर। भाई